किसके नाम होगी और आज के दिन में कौन सी टीम होगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी और दोनों टीम के मैन से मैं गुजारिश करता हूं कि कमेंट्री बॉक्स में आके बैठे मैं दोनों टीम के ट्वेल्थ मैन से गुजारिश करता हूं कि कॉम बॉक्स में आके बैठे छ ओवर का ये मुकाबला रन जुंजार वैभव वाड़ी बिरला 11 कल्याण ओवर का मुकाबला पहले ओवर का मुकाबला पहले दो ओवर का खेल मैंडेटरी पावर प्ले अनिवार्य पावर प्ले का खेल होगा ओवर का यह मैच चलता वैभव वाड़ी के मैन से गुजारिश करता हूं कॉम्बॉक्स में चले आए वैभव वाड़ी के मैन से गुजारिश करता हूं कि कॉम्बॉक्स में चले आए सूरज के उजाले के साथ मिठा अंधेरा फैलते आशियानों की किरण वैसे ही जगमगा उठा ये मंच जब हुआ हमारे बीच मंच पर मेहमानों का आगमन सो so, मेहमान आज यहां पर उपस्थित इस टूर्नामेंट की शान इस टूर्नामेंट की रौनक बढ़ाने के लिए रोनजुंजार वह बड़ी के पहले गेंदबाज मटवल्थमेन से गुजारिश करता हूं कॉमेंट्री बॉक्स में चले आए गेम ऑन बिरला 11 कल्याण के सलामी के बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक पर होगी किरण और नॉन स्ट्राइक एंड पर रामदास हो इस सलामी के बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आएगी और रन जुंजार वहड़ी टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय लिया और बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया बिरला 11 कल्याण को व्हाइट ऑफ राउंड विकेट पहली गेंद हल्के हाथों से खेला ऑन साइड की दिशा में एक रन से खाता खोला इस एक रन के मदद से बल्लेबाज किरण ने अपना खाता खोला टीम का खाता खोला टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पे एक रन सचिन सचिन गेंदबाजी के लिए पहली ओवर का जिम्मा लेकर आए हैं रन वैभववाड़ी रनजार ओर से पहली ओवर लेकर सचिन आए हैं किरण ने हल्के हाथों से ऑन साइड के क्षेत्र में खेला एक रन मिला अब रामदास रूम दिया था बल्लेबाज को मगर विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई टप्पा पड़ने के बाद गुडलैंड स्पॉट से सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में विकेट कीपर अपना काम करते हुए सचिन अच्छी गेंदबाजी करते हुए रामदास बीट होते हुए अगली गेंद इस बीच चेंज ऑफ पेस वेरिएशन किया था फुल टॉस

और दो ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा इस दो रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा रन संख्या में इजाफा होता हुआ चार रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लग चुका है पहली ओवर का खेल चलता हुआ चार गेंदे हो चुकी है चार रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लग चुका है स्ट्राइक रोटेट का कारवा चलता हुआ स्ट्राइक पर किरण होगी सचिन फिर एक बार वेरिएशन किया गेंदबाजी में अब लेग ब्रेक किया विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई बार बार बीट करते हुए बल्लेबाज को बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए काबिले तारीफ गेंदबाजी होती हुई इस ओवर की आने वाली ये आखिरी गेंद होगी इस बीच फिर एक बार अच्छा शॉट मिड विकेट क्षेत्र में गेंद जाती हुई खिलाड़ी तैनात और जल्दी करते हुए मेरे दोस्तों हाईवे पे हमेशा लिखा होता है अति घाई संकटात नहीं मना सा ब्रेक उत्तम ब्रेक एक रन लिया इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा पांच रन एक ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है पांच रन काफी अच्छी गेंदबाजी हुई केवल रन खर्च के अपने इस ओवर में गेंदबाज सचिन तो कहीं कहीं ना कही बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई जी हाँ हमारे इस रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव के अध्यक्ष भाई जी नरेसर अध्यक्ष हमारे कुछ अलग हैं जरा अलग सोच रखते हैं अपने अच्छे अच्छे कामों से सबके दिल पे राज करते हैं गेंदबाजी के लिए अनिकेत इस टूर्नामेंट में जिन्होंने पहला हैट्रिक लिया वही गेंदबाज गेंदबाजी के लिए गेंदबाजी करेंगे अनिकेत गेंदबाजी के लिए आएंगे पिछले मैच में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी हैट्रिक ली थी अपनी टीम के लिए रनजुंजार वैभव वाली की टीम की ओर से खेलते हुए तो लेफ्ट आर्म है अच्छी गेंदबाजी करते अपनी टीम के लिए पिछले मैच में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी बिरला इलेवन कल्याण के बल्लेबाज किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं वो देखने वाली बात होगी जी हाँ काफ़ी बड़ा मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर जीतने के लिए दोनों टीम आए हुए जी हाँ जीतना दोनों टीम के लिए बहुत ज़रूरी है सो जीतने के लिए दोनों टीम लड़ती हुए जिद होना चाहिए जीतने के लिए ज़िद होना चाहिए जीतने के लिए हारने के लिए डर ही काफ़ी है जो पानी से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं So, इस बीच बहुत बड़ा मुकाबला चलता हुआ जी हाँ एक ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर पांच इस टूर्नामेंट का जिन्होंने पहला है चाल लेती हुई जी हाँ वाइड बॉल अंपायर का इशारा इस वाइड के मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा छ रन क्रिकेट का बाईसवा क्रमांक नहीं हम वाइट बॉल लागू हुआ इस वाइट के मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा चेरन अगली गेंद अनिकेत की इस समय उसी अंदाज में गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन टप्पा सही टप्पा पिचिंग होता है रन लेना चाहते थे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती थी फिर एक बार अंपायर का इशारा वाइड बॉल जी हां लगातार बैक टू बैक दो वाइड बॉल डाल चुके हैं अनिकेत टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी लेग ब्रेक होकर ऑप्शनम से बाहर जाने वाली यह गेंद थी टप्पा अच्छा था मगर लेग ब्रेक आउटसाइड ऑप्शनम गेंद जाने वाली टीम का स्कोर सात फिर एक बार उसी अंदाज में पॉइंट के खिलाड़ी फील्ड करते एक रन पूरा कर लिया इस एक रन के मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा रन संख्या में इजाफा होता हुआ आठ स्ट्राइक रोटेट का कारवा चलता हुआ बूंद बूंद से समंदर बनता हुआ दोनों बल्लेबाज किरण और रामदास बिरला इलेवन कल्याण की टीम से खेलते हुए नजर आते हुए सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस गेंदबाजी मार्ग पर अनिकेत इस टूर्नामेंट का जिन्होंने पहला हैट्रिक लिया वही गेंदबाज गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी होती हुई अब स्ट्राइक पर रामदास हो सामना करेंगे अनिकेत की इस बीच कैच का मौका बन सकता था विकेट कीपर के हाथों से कैच का मौका छूटा महेंद्र सिंह धोनी के स्टाइल में विकेट कीपिंग करते महेंद्र सिंह धोनी स्टाइल आजमाते थे जब बल्ला एज लेता था तो एक अपनी पैर उठाते थे उसी तरह से विकेट कीपर ने भी अपना काम किया एक रन मिलेगा टडमैन के क्षेत्र में वो गई इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर नौ रन अनिकेत किया अगली गेंद किरण के, के लिए फिर एक बार सही टप्पा ज्यादा अचुक टप्पा अचुक अंदाज तैलास मनता खरा गोलंदाज अच्छी गेंदबाजी बाहुबली में कतप्पा और अनिकेत का सही टप्पा जी हाँ बहुत अच्छी गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई अगली गेंद वेर एक बार बेहतरीन गेंदबाजी इंडियन टीम में उतप्पा और गेंदबाजी में सही टप्पा जी अच्छी गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई अपनी टीम की ओर से अनिकेत बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए चार गेंदे केवल दो रन खर्च के आने वाली दो गेंदों का खेल बचाए इस बीच अच्छा शॉट लगाया डीप मिड विकेट क्षेत्र के खिलाड़ी फील्ड पर जाते जी हाँ कैच आउट के रूप में वापस आना पड़ेगा अनिकेत को मिली ये पहली सफलता रनो जुंजार वहबी की टीम को मिली ये पहली सफल हमारे शैलेश जी लोके सर दिल के खूबसूरत हो आप मन से सच्ची मूरत हो आप तारीफ करूं क्या आपकी हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप जी दोनों का ये विचार पूर्वक इरादा भाई जी नरेश सर और शैलेश जी लोके सर ये पूर्वक इरादा और ये इतना अच्छा टूर्नामेंट आज ये चौथी डे नाइट जी हाँ ये मुकाबला चलता वक्त ये नाइट में ये फाइट चलती हुई नए बल्लेबाज गणेश मैन फ्रॉम कल्याण बिरला इलेवन कल्याण के ओर से वन डाउन की बल्लेबाजी के लिए अनिकेत की यह आखिरी गेंद होगी इस ओवर की पांचवी गेंद पे सफलता कोइंसिडेंस अगर देखा जाए पिछले गेंद पे भी पांचवी गेंद पे अनिकेत को सफलता मिली थी अभी आखिरी गेंद इस बीच लेट कट करना चाहते थे गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में से हाथों में जाती हुई दो ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है नौ रन जी हां दो विकेट के नुक दो ओवर के समाप्ति पर टीम का स्कोर है नौ रन रोहित शर्मा नौ ये नंबर बहुत पसंद करते थे मगर जब टीम में एंट्री की तो वो नंबर पार्थिव पटेल ने कब्जा किया था उसके बाद रोहित शर्मा को

मंडळाच्या वतीने त्या सर्व महिला मंडळाचं धन्यवाद सोनू कुंचे फ्रॉम पुणे गेंदबाजी सोनू कुंचे पिछले मॅच में काफी अच्छी गेंदबाजी की ती पुणे का ब्रँड पुणे के गेंदबाज पुणे एक्सप्रेस गेंदबाजी करते हुए सोनू कुंचे के केले तीसरी ओव्हर का जिम्मा कर गेंदबाजी करेंगे जबकि दो ओवर की समाप्ति ओव्हर समाप्ती टीम का स्कोर केवळ न पहिली ओव्हर में सचिन ने पांच रन खर्च किया और दूसरी ओवर में अनिकेत ने केवल चार रन और एक विकेट अब तीसरी ओवर का खेल लेकर आए हैं सोनू कुंजे गेंदबाजी में अगर देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी करते हुए बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई पूरी तरह से बल्लेबाज को जकड़ के रखा है अपने मुट्ठी में पकड़ के रखा है अच्छी गेंदबाजी होती हुई सोनू कुंचे मैन फ्रॉम पुणे अगली गेंद इस समय फिर एक बार टप्पा फरने के बाद बल्लेबाज को लेग ब्रेक हुई और एक रन तो पूरा कर लिया है अंपायर का इशारा वाइड बॉल वा और वा क्रमांक नियम लागू हुआ वा वाइड और बाय बाय एंड लेग सो इस बीच दोनों नियम लागू हुए इस दो रन के मदद से टीम का स्कोर डबल फिगर दो अंकों में ग्यारह रन अब स्ट्राइक पर रामदास गए हैं सोनू कुंचे की गेंदबाजी को टप्पा फरने के बाद काफी घूमती है गेंद अच्छा वेरिएशन अच्छा विकल्प है इनके पास बीच फिर एक बार इनसाइड आउट शॉट खेलना चाहते थे अवे फ्रॉम द बॉडी वो शॉट खेलने का प्रयास और माइंडेटरी पावर प्ले का खेल खत्म होने के बाद सोनू कुंचे गेंदबाजी करने के लिए तीसरी ओवर का खेल लेकर आए हैं मैन फ्रॉम पुणे सोनू कुंजीर दो गेंदे जी हाँ सफल गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई दोनों गेंदे डॉट एक व्हाइट डाली अपनी इस ओवर में रामदास सामना करेंगे सोनू कुंजीर इस बीच फिर एक बार वेरिएशन चेंज ऑफ पेस ना इडली ना वड़ा ना डोसा ना मेंदू वड़ा ना कतप्पा ना उतप्पा ये है गेंदबाज का सही टप्पा अच्छी गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई जी हाँ लगातार बैक टू तो बैक बीट करते हुए बल्लेबाज को इस बीच फिर एक बार बीट जी हाँ सही टप्पा आज कहीं ना कहीं घर से बाहुबली में कतप्पा को देखकर और इंडियन टीम में उतप्पा को देखकर आए हैं इसलिए शायद गेंदबाजी में सही टप्पा वाली गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई गेंदबाज द्वारा सोनू मैन फ्रॉम पुणे अगली गेंद इस समय मिला रूम शॉट अच्छा लगाया गेंद जाएगी सीमा रेखा पार कड़ा प्रहार अब की बार चौखार मधुर संगीत इतने समय बाद बाउंड्री मिली कि कोई लड़का नौकरी ढूंढ रहा था और नौकरी ढूंढते ढूंढते सरकारी नौकरी मिली उसी तरह ये बाउंड्री मिली उस चार रन के मदद से टीम का स्कोर बढ़ चुका है पंद्रह रन पर आने वाली तीसरी ओवर की आखिरी गेंद होगी सोनू बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई लेफ्ट आर्म राउंड विकेट इस बीच हल्के हाथों से खेला ऑन साइड के दिशा में जब तक के खिलाड़ी जाते मिड ऑन पर फील्ड करते एक रन पूरा कर लिया इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा रन संख्या में इजाफा होता हुआ सोलह रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लग चुका है तीन ओवर का खेल खत्म हो चुका है और तीन ओवर के खेल खत्म होने के बाद टीम का स्कोर है सोलह रन तो काफी अच्छी गेंदबाजी होती हुई नजर आती हुई अगर देखा जाए तो तीनों गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हुए पहली ओवर में सचिन ने अच्छी गेंदबाजी की केवल पांच रन खर्च किए दूसरी ओवर में अनिकेत ने अच्छी गेंदबाजी की चार रन खर्च किया और तीसरी ओवर में सोनू ने गेंदबाजी की और सात रन खर्च किया अपने इस ओवर में जबकि एक बाउंड्री आई उनकी गेंदबाजी में तीन ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है सोलह रन अब यहां से आने वाली अठारह गेंदों का खेल बचा यहां से आने वाले अठारह गेंदों में देखना होगा कितने रन बना पाते वॉट इज क्रिकेट सी फॉर चैलेंज आर फॉर रिस्पेक्ट आई फॉर इंस्पिरेशन सी फॉर कॉन्फिडेंस के फॉर कीप गोइंग फॉर एग्जाम टी फॉर ट्रस्ट दिस इज क्रिकेट चेंज इज ऑलवेज पॉसिबल ज चेंज करो नेगेटिव सिचुएशन में हमेशा पॉजिटिव mindset रखो तीन ओवर की समाप्ति पर सोलार रन जेव सगढ़ संपले असा वाटे ना तीस खरी शुरुआत आते यानी शुरुआत कुठून ही हो सकते तीन ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर अगर देखा जाए तो सोलार रन स्कोरबोर्ड पर लग चुका है गेंदबाजी के लिए गेंदबाज अनिकेत. अपने तरफ से दूसरी और टीम के तरफ से चौथी ओवर लेके लेफ्ट आर्म राउंड विकेट छोटी गेंद अपील हुई एम्पायर से और रामदास को आना पड़ेगा वापस अनिकेत को मिली है दूसरी सफलता रन झुंझार वाय बड़ी को मिली है दूसरी सफलता रामदास को आना पड़ेगा वापस बैक टू पवेलियन मधुर संगीत सुनते हुए गांव तो वैसे छोटा है गांव तो वैसे छोटा है अंदाज सबसे अलग रखता है छोटो छोटे से परों के सहारे आसमान छूना चाहता है पर तो है छोटे लेकिन हौसले बुलंद रखता है ये मिडभाव नगरी ये मिडबाव गांव, रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव जी हाँ बाजारपेट मित्र मंडल एक काफी अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया सभी गांव वालों ने मिलजुल जी हाँ आदर पुर्वक, विचार पूर्वक इरादा शैलेश जी लोकेश सर भाई जी नरेश सर इनका ये इरादा जो सपना देखा था वो आज हकीकत में आए हैं सपना वो नहीं जो आप नींद में देखे सपने वो है जो आपको सोने नहीं दे ड्रीम इज नॉट वॉट यू सी इन स्लिप इज द थिंग विच लेट यू स्लिप सोने नहीं देने वाले ये सपने अनिकेत की अगली गेंद

नाइट चलती हुई कड़ी फाइट चलती हुई अनिकेत गेंदबाजी करते हुए दो विकेट दिलाए रन जुंजार वेब वाली टीम अपनी टीम के लिए अगर खुद को एक प्लेयर को अगर अपना नाम बनाना है तो अपने टी शर्ट पे अपनी जर्सी पे जो सामने गांव का नाम होता है उस नाम के लिए खेलो तो आपका पीछे वाला जो जर्सी पे नाम होता है वो नाम बनेगा नाम एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर बनता है इस बीच बड़ा शॉट लगाना चाहते थे शफल होके ऑन साइड के दिशा में रन मिलेगा जरूर रन बने किस तरह से भी बने लेग बाय के रूप में एक रन मिलेगा इस एक रन के मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा रन संख्या में इजाफा होता हुआ अठारह रन पायस अल्मेडा मेरे साथ में स्कोरिंग काउंटिंग करते हुए नजर आते हुए टेनिस की तरफ से एक देश में ये टूर्नामेंट लाइव टेलीकास्ट करते हुए इस बीच फिर एक बार पॉइंट के क्षेत्र में खेला लेट कट किया है फील्ड करते एक रन पूरा कर लिया डायरेक्ट हिट लगा है और ये कहीं ना कहीं गलती होती हुई जी हाँ जहां पर एक रन हो सकता था वहां पर दो रन खर्च किए बोन बोन की कीमत जी हाँ एक रुपया एक लाख नहीं होता मगर वो लाख में से एक रुपया निकले तो वो लाख भी लाख नहीं होता रनों की कीमत जानना होगा दुनिया में पानी बहुत ज्यादा है मगर उसकी कीमत बहुत कम है दुनिया में सोना बहुत कम है मगर उसकी कीमत बहुत ज्यादा है मगर एक प्यासे से पूछो पानी की कीमत क्या होती है उसी तरह से टीम को पूछो रनों की कीमत क्या होती है अनिकेत चार गेंदे हो चुकी टीम का स्कोर बीस रन जनार्दन सामना करेंगे चौथी ओवर का खेल चलता हुआ लेक्स्ट हम छोड़ के जाने वाली ये गेंद अंपायर का इशारा वाइट बॉल इस वाइट की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा रन संख्या में इजाफा होता हुआ हमारे टेनिस क्रिकेट डॉट इन की टीम गौरव सावंत हमारे टेक्नीशियन शुभम मस्कर कैमरामैन राकेश हिरमाली कुणाल पारकर इस बीच फिर एक बार बड़ा शॉट लगाना चाहते थे गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं होता हुआ संपर्क होना टाइमिंग होना बहुत जरूरी क्रिकेट ये खेल टाइमिंग का है और हमारे क्रिक ऑन ऐप पे जो स्कोरिंग काउंटिंग करते हुए मनोज वॉक वाग एक अच्छी स्कोरिंग काउंटिंग करते हुए इस ओवर की आखिरी गेंद इस बीच फुल टॉस क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात और मिसअंडरस्टैंडिंग हा हा ना, ना डॉक्टर डॉक्टर वापस आना पड़ेगा बल्लेबाज को रन आउट के रूप में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई वी, गलती हुई गलती को माफी नहीं क्रिकेट में विकेट से खाम भुगतना पड़ा वापस आना पड़ेगा टकआउट में समाप्ति पर टीम का स्कोर है इक्कीस रन तीन विकेट के नुकसान पर चार ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है ट्वेंटी वन तीन विकेट के नुकसान पर जितना सोचता हूँ मिडबाव के बारे में हैरान रह जाता हूँ जितना सोचता हूँ मिड जितना समझना चाहता हूँ प्रति प्यार हमारे प्रति सम्मान देखकर खुशी से नाचने लग जाता हूँ थैंक यू सो मच के आप लोगों ने मुझे यहाँ पर कॉमेंट्री करने का मौका दिया रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडबाव भाव ये टूर्नामेंट में आप लोगों ने मुझे कॉमेंट्री करने का मौका दिया मैं खुद को बहुत भाग्यवान मानता हूँ कि आप जैसे अच्छे लोग ना स्वप्नारी इखादी स्वप्ना की सुंदर मल अवे साथ ना सुटेल असा आधार अवे ना मगता ही साथ देना तुम्हार सारखे चांगले मनसा अवे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रामेश्वर प्रतिष्ठान मिडाव मिडबाव के सभी गांव वालों से भाई जी नरेश सर और शैलेश जी लोके सर सोनू गेंदबाजी के लिए आए हैं इस बीच फिर एक बार चकमा देने वाली गेंद जी हां बल्लेबाज दिनेश गए हैं नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए पहली गेंद समझ नहीं पाए गेंद ने क्रेजी किया गेंद ने क्रेजी किया जी हाँ अच्छी गेंदबाजी होती हुई हुई नजर आती सोनू मैन फ्रॉम पुणे एक गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी होती हुई लेफ्ट राउंड विकेट इस भी शफल हुए थे बड़ा शॉट लगाना चाहते थे ऑन साइड के क्षेत्र में गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ यह संपर्क होना बहुत जरूरी टाइमिंग होना बहुत जरूरी है प्रेम बिना संबंध बेकार पॉकेट में पैसा ना हो तो पॉकेट बेकार और क्रिकेट में टाइमिंग ना हो तो क्रिकेट बेकार इस बीच कैच का मौका स्लिप तैनात की गई थी बल्लेबाज दिनेश को आना पड़ेगा वापस सही फील्ड सजावट वापस आना पड़ेगा बल्लेबाज को मधुर संगीत बाजी की अपनी टीम के लिए दो विकेट दो विकेट दिलाए एक विकेट रन आउट के रूप में और एक सोनू मैन फ्रॉम पुणे उनको विकेट मिला सुनील आए हैं नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए मैन फ्रॉम कल्याण बिरला 11 कल्याण की यह टीम सोनू अच्छी गेंदबाजी करते हुए पांचवी ओवर का जिम्मा लेकर आए हैं तीन गेंदे हो चुकी है आने वाली तीन गेंदों का खेल इस समय फिर एक बार लेट कट करना चाहते थे रनों से जूझती हुई टीम जी हाँ रनों से लड़ती हुई टीम रनों से लड़ती हुई टीम सो कहीं ना कहीं यहां से शुरुआत करना बहुत जरूरी है जेवा सगल संपले असा वाटे ना थी खरी शुरुआत तुम्हारा अंगात नसन रखता लगते इस बीच ओवर पीच गेंद साइड की दिशा में खेला हुआ शॉट ऑन क्षेत्र में खिलाड़ी सुनील ते, सचिन तैनात एक रन पूरा कर लिया इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 22 टू चार विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर अगर देखा जाए तो 22 टू रन स्कोर बोर्ड पर लग चुका है और इस ओवर की आखिरी गेंद होगी पांचवी ओवर की मैन फ्रॉम पुणे का ये गेंदबाज सोनू इस बीच फिर एक बार इनसाइड आउट अवे फ्रॉम द बॉडी शॉट खेलने का प्रयास गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं पांच ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर है 22 रन चार विकेट के नुकसान पर अब यहां से आने वाले छह गेंदों का खेल बचा है मैं देरी से आने वाले दर्शकों को और नए दर्शकों को बताना चाहूंगा जो मैच चलता हुआ रन झुंझार और बिरला इलेवन कल्याण के बीच में चलता हुआ रन झुंझार ने टॉस जीता फील्डिंग करने का निर्णय लिया और बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया बिरला 11 कल्याण की टीम को सो ओवर की समाप्ति पर अगर टीम का स्कोर देखा जाए तो 22 रन, हाँ, बंद पड़ी घड़ी भी दिन में दो बार सही वक्त बताती है अशक्य असा नहीं तुम्हें चाड़नीत सुधा पानी नेकता परंतु त्या बरफ हो तुम्हारा वहां मतलब आखिरी ओवर का एक खेल लेकर आए हैं मैन फ्रॉम पनवेल का गेंदबाज भास्कर पाटिल गेंदबाजी के लिए आखिरी छह गेंदों का खेल लेकर भास्कर पाटिल पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी ओवर द विकेट इस बीच पटकी हुई गेंद छोटी गेंद थी रूम दिया था शॉट लगाया लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में जाते एक रन पूरा कर लिया सुनील और जनार्दन दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बूंद बूंद से समंदर बनता हुआ जी हां रन बनते हुए तो स्कोर अगर देखा जाए रन बने किस तरह से भी बने रन बनना बहुत जरूरी है तेईस रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लग चुका है रन संख्या तेईस रन या आखिरी आने वाले पांच गेंदों का खेल इस बीच ओवर पिच गेंद अच्छा शॉट लगाया खिलाड़ी तैनात क्या ये गेंद को रोक पाएगी जी नहीं काफी अरसे के बाद गेंद जाएगी परफेक्ट टाइमिंग डाउन द ग्राउंड हिट एंड वॉच सी मारे खा फील्डिंग जहां पर एक रन हो सकता था वहां पर चार रन दिए सुई में से धागा निकला पैरों के निकला हेलो कसा का चार रनों के लिए दीजे? भास्कर पाटिल मैन फ्रॉम पुणे तीन गेंदों में काफी महंगे साबित हुए ग्यारह रन खर्च किए आने वाले तीन गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है ओवर पिच गेंद मिस टाइम स्ट्रोक ऊंची गई है कितनी लंबी जाएगी खिलाड़ी तैनात आखिरी समय तक नजरे जमी हुई वापस आना पड़ेगा बल्लेबाज जनार्दन पवेलियन मधुर संगीत सुनते हुए इस बीच टीम का स्कोर अगर देखा जाए 33 रन टीम का स्कोर स्कोर बोर्ड पर लग चुका है जबकि पांच विकेट के नुकसान पर नेवर फॉरगेट टू पीपल इन योर लाइफ द पर्सन हु लॉस्ट एवरीथिंग जस्ट टू मेक यू विन योर फादर द पर्सन हु वाज विथ यू इन एवरी पेन योर मदर जी हां ये दो शख्स को आपको लाइफ में कभी भूलना नहीं है भास्कर पाटिल इस बीच बड़ा शॉट पुल करना चाहते थे अपील हुई थी स्टंपिंग की गेंदे हो चुकी है टीम का स्कोर 33 अब यहां से आने वाली आखिरी गेंद होगी आखिरी गेंद में बड़ा शॉट लगना बहुत जरूरी है लाइफ में रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप हार मान जाओ मिस टाइम नहीं होना चाहिए आपको टाइमिंग करनी है आखिरी गेंद भास्कर पाटिल मैन फ्रॉम पनवेल सुनील फुल टॉस बड़ा शॉट गेंद हवा में कैच का मौका बन सकता है खिलाड़ी काफी देर तक भागे आए गेंद तक पहुंचे कैच नो मैं लैंड में लैंड हुआ दो रन पूरे कर लिया तीसरे रन के लिए जाएंगे अंपायर से अपील और आउट करार दिया जाएगा इस दो रन की मदद से टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा रन संख्या में इजाफा होता हुआ पैतीस रन और जीतने के लिए छत्तीस रनों का लक्ष्य रखा है जीत की कोई जात नहीं होती जीत की कोई धर्म नहीं होता जीत का कोई कलर नहीं होता जीत तो बस ये देखती है कि तुम तो मुश्किलों के आगे हट गए या मुश्किलों के आगे डट गए मुश्किलों के आगे हमेशा डटे रहना है जी हाँ मन लगा कर खेलना है मान लिया तो हार गए और ठान लिया तो जीत गए मैं कातली रत्नागिरी से राहित फकीर मोहम्मद सोलकर आप सभी से थोड़े समय के लिए विदा लेता हूं और मैं माइक्रोफोन पे आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे साथी कॉमेंटेटर आज हमारे साथ में कॉमेंटेटर मौजूद है बड़े बड़े एक्सपीरियंस वाले कॉमेंटेटर अमोल जमदाड़े सर श्याम वाकर सर सागर कदम सर विवेक परब सर सो अब आने वाले इनिंग का हाल सुनेंगे मेरे साथी कमेंटेटर जी हाँ एक अच्छे कमेंटेटर मराठी की बुलंद आवाज मैन फ्रॉम घनखोड़ी सागर कदम तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों से थोड़े समय के लिए विदा लेता हूं और एक इनिंग के बाद ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है अगर ये टूर्नामेंट आपको पसंद आया है तो तालियां बजाओ बड़ा अच्छा लगता है थैंक यू ओवर टू यू सागर कदम सर थैंक यू जर कोणाची मोटरसायकलची चावी हरवली असेल तर त्याने मान्यवर कक्षामध्ये येऊन ती घेऊन जायची आहे जर कोणाची बाईकची जर चावी हरवली असेल तर या ठिकाणी आमच्या स्वयंसेवकांना ती मिळालेली आहे जर कोणाची हरवली असेल तर त्यांनी ते या ठिकाणी येऊन आपली घ्यायची आहे धन्यवाद श्री रामेश्वर प्रतिष्ठान मिठभाव आयोजित आंतरराज्यस्तरीय भव्य दिव्य अशी दिवस रात्र डे नाईट ओव्हरहाम टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा सदर स्पर्धेचं आजचं तिसरं वर्ष पर्व तिसरं व या तिसऱ्या पर्वातील आजची चौथी रात्र किंबहुना चौथा दिवस व चौथ्या दिवसातील बहुधा पाचवा महत्वपूर्ण सामना दोन बलाढ्य क्रिकेट संघांची गाठ या चषकाच्या निमित्तानं या भव्य दिव्य मैदानावरती जुळलेली पाहायला मिळते ती सुदैवानं एका बाजूला नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर सर्वप्रथम क्षेत्ररक्षण करताना रणझुंजार वैभववाडी या ठिकाणी घेतलेला निर्णय पूर्ता सफल ठरता ठरवताय ते त्यांचे गोलंदाज प्रतिस्पर्धी संघाला मात्र निर्धारित छत्तीस चेंडू सहा षटकांमध्ये तब्बल पस्तीस धावांची लूट व एकंदरीत छत्तीस चेंडूत छत्तीस धावांची विजयासला गवसणी घालण्यासाठी नितांत आवश्यकता व त्या धावांचा पाठलाग करण्यासाठी बिनीची जोडी आघाडीची जोडी पर्यायानं सलामीची जोडी प्रारंभीची जोडी मैदानात पावलं टाकताना दिसते ती वैभववाडी क्रिकेट संघाच्या वतीनं मयूर नामक अशी जोडगोडी मात्र रणझुंजार वैभववाडी क्रिकेट संघाच्या वतीनं मैदानाच्या वतीनं आपली पावलं वळवताना दिसत आहेत व दुहेरी बाजूला अनिवार्य पॉवर प्लेचं पहिलं वहिलं षटक या ठिकाणी व हे जोखमीचं षटक किंबहुना ज्या षटकात तब्बल नऊ खेळाडू हे थर्टीएट सीमारेषेच्या हातमध्ये सीमारक्षक म्हणून आपली भूमिका पार पाडताना दिसतात व उर्वरित दोन खेळाडू हे लगत डीप मध्ये सीमारक्षक म्हणून आपली भूमिका पार पाडताना दिसतील गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज अनिवार्य पॉवर प्लेचं पहिलं वैल षटक जोखमीचं पहिलं वैल षटक किंबहुना धावांसाठी संघर्ष करण्यास भाग पाडणारं पहिलं वैल षटक घेऊन येतोय तो गणेश नामक गोलंदाज पंचांच्या उजव्या हाता कडन राईट आर्म राऊंड विकेट पद्धतीचा तो मारा करण्यासाठी सुसज्ज होतोय व समोर त्याचा कडवा प्रतिस्पर्धी म्हणून उभा टाकलेला निश्चितपणे डावकुरे हाताचा मयूर फलंदाज हा रणझुंजार वैभववाडी क्रिकेट संघाच्या वतीनं फलंदाजी करण्यासाठी सुसज्ज होतोय प्रतिस्पर्धी संघाची क्षेत्ररक्षण व्यू रचना सजवल्यानंतर निर्धारित सहा षटकात तब्बल छत्तीस धावांचा आवश्यकता व पंचांचा सामना सुरू होण्याचा निर्वाळा आमच्यापर्यंत येऊन पोहोचतोय पहिल्या वेल्या षटकातील पहिला चेंडू गोलंदाज गणेश चवतेच्या चेंडूचा सा सामना करण्यासाठी डावकुरी हाताचा शैली शैलीदार फलंदाज निश्चितपणे मयूर हा रणझुंजार वैभव आणि क्रिकेट संघाच्या वतीनं फलंदाजी करण्यासाठी सुसज्ज होतोय यावेळी फुलटॉस चेंडू खराब चेंडू व या वॉर्म अप पद्धतीच्या चेंडूला डेव कॅरला सीमारेच्या बाहेर टोलावलं जाते व पर्यायानं पहिल्या वैल्या चेंडूवर गोलंदाजाचं स्वागत एका जंग षटकाराने करत

व दुहेरी चेंडू मात्र आखूर टप्प्याचा चेंडू टोलवायचा होता तो बहुधा डीप मिडविकेटच्या डोक्यावरनं परंतु चेंडूची गती चेंडूचा वेग हा अपेक्षेपेक्षा किंचितशा जास्त चेंडू फलंदाजाला हुलकावणी देतोय पर्यायानं यष्ट्यांना हुलकावणी देत अखेर सुसंधी प्राप्त होते ती यष्टीरक्षकाला क्षेत्ररक्षण करण्याची पर्यायानं आपल्या हाती विसावलेल्या चेंडूच उर्वरित सोपस्कार यष्टीरक्षक पूर्ण करतोय व चेंडू सुपूर्त केला जातोय तो गोलंदाज गणेश हाती यावेळी सुरे कसा चेंडू ओव्हरब्रिज पद्धतीचा शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरच्या क्षेत्र कशा हाती त्या ठिकाणी साधा सोप्पा ललिपा पद्धतीचा झेल देत पर्यायन टोलेजंग षटकार खिचत या ठिकाणी मोठी फटका मारण्याच्या नादात आघाडीचा फलंदाज भिनीचा फलंदाज डावकुरे हाताचा मरयूर हा मात्र स्वस्तने माघात परत त्याचा फलंदाज निश्चितपणे मयूर नामक फलंदाज आघाडीच्या चे चेंडूवर टोलेजंग फटका हा क्षेत्रात व स्केअरले पहिला चेंडू हा तुझा होता चेंडू हा माझा असेल असा निर्वाणीचा इशारा आपल्या प्रतिस्पर्धी संघाच्या फलंदाजाला देत कंदवीर किंबहुना बिनीच्या फलंदाजाला स्वस्तात माघारी परतवलं जात व आपला समायोजित फलंदा, फलंदाज साथी फलंदाज किंबहुना संघ सहकारी जेलजीच्या स्वरूपात तंबूच्या आश्रयाला परतल्यानंतर एकंदरीत नवोदित फलंदाज रवी नामक फलंदाज डावकरे हाताचा फलंदाज याची वर्णी लागते ती रणझुंजार झुंजार वैभव क्रिकेट संघाच्या वतीनं बिनीचं पहिलं बहिलं आघाडीचं षटक प्रगतीपथावर सफलता प्राप्त गोलंदाज गणेश यावेळी सुरेखासा चेंडू आकोट टप्प्याचा परून आपल्या नियोजित क्षेत्राचं उल्लंघन करणारा आपल्या मर्यादेचं उल्लंघन करणारा किंबहुना पंच गोलंदाजाला दंडित करतायत व दोन्ही हा जमिनीलगत समांतर करत चेंडू स्वयं असल्याचा चेंडू अतिरिक्त असल्याचं निर्वळ आमच्यापर्यंत पोहोचवत एकंदरीत सातवी धाव निघते ती रणझुंजार वैभववाडी क्रिकेट संघासाठी यावेळी सुरेखासा चेंडू ओव्हरब्रिज पद्धतीचा व बघता बघता या चेंडूला या ठिकाणी लॉंगॉनच्या डोक्यावरनं लॉंगॉपच्या डोक्यावरनं टोलावलं ते एका टोलेजंग चौकारासाठी एकंदरीत चौकाराची नोंद रणझुंजार वैवाडी क्रिकेट संघाच्या सांघिक किम्यात होत अकरा धावा धावफलकावर झळकवल्या त्या एका घटना पहिले वैल षटक या ठिकाणी प्रगतीपथावर गोलंदाजांवर मात्र अक्षरशः तुटून पडता येते या पहिल्या वैद्य षटकात बिनीचे फलंदाज मधल्या फळीतील फलंदाज पर्यानं डावकुरे हाताचा रबी हा आकर्षक फटका टोलवत डीप च्या क्षेत्रात तब्बल चौकाराची लयलूट ही सदरच्या फटक्यावर पाहायला मिळते यावेळी यावेळी पिच पद्धतीचा चेंडू टोलवायचा होता डीप मिड ऑफच्या डोक्यावरनं चेंडूचा वेग चेंडूची गती अपेक्षेपेक्षा कमी दुहेरी हादरा बसतोय तो एकंदरीत रणझुंजार झुंजार क्रिकेट मुंबई विरुद्ध यश इलेव्हन वाघोटन यांच्यात अकरा धावा धावफल तंबूचा रस्ता दाखवला जातोय याला प्रमुख कारणीभूत म्हणजे आघाडीचा गोलंदाज निश्चितपणे कल्याण क्रिकेट संघाच्या माध्यमातून त्याची योग्य टप्प्यावरची गोलंदाजी नियोजनबद्ध अशी गोलंदाजी बिनीच्या जोडीला माघारी परतवण्यास अखेर कारणीभूत ठरते या पहिल्या षटकातील सांगतेचा चेंडू घेऊन गोलंदाज गणेश असू सज्ज होतो यावेळी सुरेखाचा चेंडू रिवसुचा देखना फटका व भक्त बघता चेंडू डी पॉईंट सीमारेषे पलीकडे तब्बल चौकर षटकाराची नोंद होते ती आमच्या सांगिक हे मॅत व एकंदरीत षटकाराने सांघिक धाव संख्या सतरा धावा म्हणून होताना दिसत नाही याला प्रमुख कारणीभूत रणझुंजार झुंजार वैभववाडी क्रिकेट संघाचा फलंदाज किंबहुना प्रसाद नामक फलंदाज तो प्रतिस्पर्धी संघाच्या गोलंदाजांवर तुटून पडतोय व लिलया जे पहिले वैल अनिवार्य पॉवर प्लेचं ज्यामध्ये फलंदाजाला मनमुराद मनाजोगे या ठिकाणी फटके मारण्याची दुर्मिळ आम्ही संधी प्राप्त होते व त्या मिळालेल्या संधीच एकंदरीत सोन्यात रूपांतर करत तब्बल सहा चेंडूचा सामना करत एकंदरीत सतरा धावांची लूट ही पहिल्या वैद्य षटकात गोलंदाजाकडनं साफ गोलचे कायम राखलं जात आहे ते रणझुंजार फळीतील फलंदाजांचं गोलंदाजी मार्ग गोलंदाज सुसज्ज होतोय वैयक्तिक ती पहिलं व या ठिकाणी दुहेरी षटक घेऊन पंचांच्या उजूड डाव्या हाताकडनं द विकेट पद्धतीचा मारा करण्यासाठी सुसज्ज होतोय तो अक्षय नमक गोलंदाज बिरला इलेव्हन कल्याण क्रिकेट संघाच्या माध्यमातून स्ट्राइक एंडच्या दिशेने नवोदित फलंदाज किंबहुना मधल्या फळीतील फलंदाज आसिफ शेख हा फलंदाजी करण्यासाठी सुसज्ज होतोय यावेळी ओव्हर पिच पद्धतीचा चेंडू डीप एक्स कवरच्या डोक्यावरनं एक, एक लाजवाब पटका या ठिकाणी व या स्वरूपात पुरस्कार प्राप्त होतोय त्या क्षेत्रात लिलया टोले जंग फटका टोलवत या ठिकाणी चौकरच बहुमान प्राप्त होतोय तो मधल्या फळीतील फलंदाज आसिफला व आसिफच्या खाती चार धावा जमा होत आहेत पर्यायानं संपूर्ण रणझुंजार वैवाडी क्रिकेट संघाच्या सांघिक खेम्यात देखील चार धावांची भरणा होत एकंदरीत एकविसावी धाव निघते ती दुहेरी षटक प्रगती पथावर असताना अजूनही अंतलीन पाच चेंडूंचा खेळ हा शेष असावा असा काहीसा अंदाज आमच्या समालोचन कक्षाच्या दिशेतून वर्तवला गोलंदाज व लिलेय गोलंदाजी मरकूर गोलंदाज अक्षय हा सुसज्ज होतोय यावेळी लेग ब्रेक पद्धतीचा चेंडू परंतु खराब चेंडू व या खराब चेंडूला पुन्हा एकदा डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरनं उडवलं जात ते एका टोले जंग साठी एकंदरीत सांघिक धाव संख्येत तब्बल सत्तावीस धावा धावफलकावर दोन गड्यांच्या मोबदल्यात सत्तावीस धावा धावफलकवर दोन गड्यांच्या मोबदल्यात टोलेजंग फटकेबाजी प्राप्त फटकेबाजी विजयाला गवसणी घालण्यासाठी अनिवार्य ती अपेक्षित फटकेबाजी मात्र होताना दिसते आहे यावेळी दुहेरी चेंडूवर देखील तोच चेंडू तीच दिशा तीच परिणिती व डीप विकेटच्या डोक्यावरून टोलेजंग फटका टोलवत एकंदरीत या षटकात दुहेरी चौकाराची नोंद होत तब्बल या ठिकाणी एकतीस धावा धावफलकवर पस्तीस धावा धावफलकवर झळकवल्या जात आहेत एक धाव मात्र सदर फटक्यावरती बिबत एकंदरीत सांघिक धावसंख्या परावर्तित होते ती तब्बल अठ्ठावीस धावा धाव दुहेरी षटक पावरप्रेच प्रगतीपथावर गोलंदाजी मार्कर गोलंदाज निश्चितपणे अक्षय हा सुसज्ज होताना दिसतोय यावेळी अक्रॉस द लाईन पद्धतीने शफल होऊन फटका टोलवायचा होता डे फाईन लेकच्या क्षेत्रात या ठिकाणी त्रिपाळ साप उद्ध्वस्त केले जात आहेत फलंदाजे पर्यायन फलंदाजाला बाद व्हावं लागतंय ती एकंदरी सांघिक धावसंख्या अठ्ठावीस असताना तिहेरी आद्रा बसतोय तो रणझुंजार झुंजार क्रिकेट संघाला गोलंदाजी करण्यासाठी अक्षय हा गोलंदाज सुसज्ज होतोय यावेळी यष्टीरक्षकाला हुलकावणी देत किंबहुना या ठिकाणी डी फायन्स सीमारेषा या ठिकाणी चेंडू निवडतोय व एकंदरी चौक्याची नोंद होते ती रण झुंजार वैभव क्रिकेट संघाच्या सांगिक गोठात व या टोलेजंग चौकारानं एकंदरीत सांघिक धाव संख्या परावर्तित होते ती बत्तीस धावा धावपलकावर तीन गड्यांच्या मोबदल्यात विजयाचे सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठी मात्र चार धावांची नितांत आवश्यकता व त्या चार धावा एकंदरीत संघाच्या सांघिक गोठात जमा करून विजय व शिकाप मुताब करण्याचं काम हे मधल्या फळीतील जोडी करेल की काय असा यक्ष प्रश्न तमाम क्रीडा रसिकांच्या मनात उपस्थित असताना या ठिकाणी निर्धाव चेंडू अखेर षटकाची समाप्ती होते ती बहुधा दुसऱ्या व दोन षटकांच्या सांगते अखेरीस रणझुंजार वैभववाडी क्रिकेट संघाची सांघिक धावसंख्या तब्बल प्रति षटका मागे सोळा धावांची सरासरी रकत बत्तीस धावा धावफलकावर झळकवल्या जात आहेत ते बिनीचे दोन फलंदाज व मधल्या फळीतील एक फलंदाज असे एकंदरीत तीन गडी बाज विजयासाठी यात्रा मात्र चार षटक चोवीस चेंडू व या चोवीस चेंडूत प्रतिष्ठक मागे तब्बल एके धाव्याची सरासरी राखणं ही गरजेची बाब एकंदरीत लिहिलेल्या चार धावांची नितांता आवश्यकता ती विजयाला गवसणी घालण्यासाठी अनिवार्य गोलंदाजी मार्कोवर गोलंदाज सुसज्ज होतोय तो किरण नामक गोलंदाज व किरणच्या गोलंदाजीचा सा सामना करण्यासाठी निश्चितपणे मधल्या फळीतील एक विस्फोटक फलंदाज आसिक नामक फलंदाज ज्याने या आधीच्या षटकात तब्बल धावांची लैलूट केली धावांची खलबत्ती करत एकंदरीत कल्याण क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजांना नामहरण केलं किंबहुना सांघिक के खेम्याला नामहरण केलं तोच फलंदाज फलंदाजी करण्यासाठी आसिफ हा सुसज्ज होतो यावेळी सुरेखाचा चेंडू आकूर टप्प्याचा डीप एक सोडच्या डोक्यावरनं टोलावला जातोय फटका एक धाव सहजगतीपूर्ण डीप मिडवचा चित्ररक्षक चित्रेच्या चपईनं चेंडूवर पोहोचतोय सुस्थितीत चेंडू आपल्या हाती विसावत स्थिरावत त्याच तत्परतेने त्याची फेक गोलंदाजाच्या दिशेने येते तो वर दोन्ही फलंदाज मात्र एक धाव पूर्ण करतायत यावेळी चेंडू सोडून जाणारा पंच चेंडू नो चेंडू असल्याचा निर्वाळा येतोय एकंदरीत अवांतर स्वरूपात एक धाव संघाच्या सांघिक गोठात जमा होत तब्बल चौतीसावी धाव निघते ती रणझुंजार झुंजार क्रिकेट संघासाठी यावेळी क्षेत्रात फटका टोलवत या ठिकाणी विजयावर शिक्कामोर्तब करणारा क्रमप्राप्त फटका या ठिकाणी फलंदाज टोलावतोय व किरणच्या टोले तमाम क्रीडा रसिकांची या ठिकाणी रजा घेतोय धन्यवाद पराभूत संघातील सामनावीर सांगायचं आहे पराभूत संघातील सामनावीराचं नाव सांगायचं आहे हॅलो जनार्दन या स्पर्धे